गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जब भी ठंड आती है ना तो पंजाबियों के घर में टिपिकली दो तीन चीज़ें तो हमेशा बनती हैं। पहली रेसिपी होती है कि गाजर मूली का अचार, तो उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपको वो देखनी है तो यहाँ कहीं आए करके लिंक दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करोगे ना तो वो उस रेसिपी पर लेके जाएगा। और दूसरा बनता है गजरेला, जिसको गाजर का हलवा भी बोल सकते हैं। तो पंजाबी टिपिकल गजरेला कैसे बनता है अगर आपको ये देखना है तो आप पूरी रेसिपी एंड तक देखना है। इसमें मैंने टिप्स ट्रिक्स बताए हैं कि कैसे गाजर का हलवा इज़ डिफरेंट फ्रॉम गजरेला। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। आपका गजरेला एकदम यमी बने इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही होता है। स्टार्टिंग में आपको गाजरों को ना एकदम अच्छे से भूनना है, लाइक टाइम लगा के उसको भूनो, 5-10 मिनट लगा के, पर उसको अच्छे से भूनो। अच्छे से भुन जाने पे ना एक तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कंजूसी बिल्कुल मत करना, दूध के ऊपर जितनी मलाई जमी है ना सारी सारी पा दो। अब इसे तसल्ली से पकाना, लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे जब तक आपका दूध पूरा गाजरों में सोक नहीं लेगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे गाजर। थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहना ताकि गाजर नीचे ना लग जाए। इस पॉइंट पे ना गाजर पूरे पक चुके हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल गीला नहीं है ये। तो अब शक्कर हम ऐड करेंगे, 5 मिनट इसको पकाएंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे।